प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय इंडोनेशिया के यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बेमिसाल राज्य बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म पर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA पर हमला बोला। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना पर केंद्रित 1 दिवसीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, केरल में विधानसभा के 1-1 सीट और त्रिपुरा में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय चुनाव समिति का किया गठन। 16 सदस्यीय समिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ अंबिका सोनी और अधीर रंजन चौधरी भी हैं शामिल। चंद्रयान 3 ने समय से पहले सभी लक्ष्यों को पूरा किया। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग का प्रयोग दोहराया। इसरो ने इसे भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत बताया। पटना समेत प्रदेश के अन्य भागों में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल और ब्लड बैंकों को पूरी तैयारी करने का दिया निर्देश। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के लिए हाल में दी गई छुट्टी कटौती के आदेश को लिया वापस। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है।